हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मेरा पास एक चार्जर है और ये बिल्कुल जला हुआ है। आज हम ये चार्जर को रिपेयरिंग करेंगे और ये बहुत हैवी चार्जर है। देख सकते हो ये बहुत हैवी चार्जर है। ये साइड में एक डिस्प्ले दिया गया है और ये साइड में दो ऐसा केबल लगा सकते हो। देख सकते हो ये साइड में ऐसे दो केबल लगा सकते हो और दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो। और ये चार्जर बहुत फास्ट में मोबाइल को चार्ज कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ए टू जेड रिपेयरिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे आप अपना घरों में रिपेयरिंग कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में बना रही है, लास्ट तक देखिए। देख सकते हो मैंने चार्जर को लगा दिया। देखिए स्विच को मैंने दबा रहा है लेकिन कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। जितना वोल्टेज आएगा उधर में हमको डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब हम उसको रिपेयरिंग करेंगे तो उसके बाद में उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आउटपुट कितना आ रहा है दिखाई देगा और ये तुरंत मोबाइल को चार्ज कर देते हैं। मैंने एक कटर ले लिया और ये कटर की मदद से हम उसको ओपन करेंगे। ये देख सकते हो मैंने उसको पूरा ओपन कर लिया। ये देखिए, देख सकते हो ये बिल्कुल जला हुआ है। ये कैपेसिटर जल गया और इधर में देखिए ये भी जला हुआ है, देख सकते हो। और ये फ्यूज़ भी जला हुआ है और ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर। तो अभी हम पहले ये ब्रिज रेक्टिफायर, मेरे को लगता है ये 440 में लगा दिया इसीलिए ये जल गया। 440 में लगाने के बाद अक्सर फॉल्ट वही होता है, ये जो दोनों कैपेसिटर है ये तुरंत जल जाता है। और इधर में ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ भी उड़ जाएगा और इधर में ये भी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये कैपेसिटर के सेम कैपेसिटर, मैंने ये कैपेसिटर ले लिया और ये कैपेसिटर की जगह में हम ये बिल्कुल सेम कैपेसिटर ले लिया। और देखिए इधर में फ्यूज जो है ये देखिए ये फ्यूज उड़ गया। देख सकते हो ये फ्यूज बिल्कुल उड़ गया, तो उसकी जगह में हम ये फ्यूज को लगाएंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल जल गया है, तो अभी हम इसकी जगह में ये लगाएंगे। और ये देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर, ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर की जगह में हम ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा लेंगे। तो पहले हम ये सब लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कैपेसिटर को लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है। ये देखिए कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है, तो ये देखिए ये जो साइड दिख रहा है ये साइड हो गया माइनस का साइड और ये जो साइड है ये प्लस का साइड। तो आपको इसी तरह लगा लेना है। और कैपेसिटर में भी प्लस माइनस होता है। ये जो टर्न दिख रहा है ये साइड में निशाना लगा हुआ है, ये हो गया माइनस और ये साइड में कोई निशाना नहीं है, ये हो गया प्लस, क्योंकि कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है। तो अभी हम इसी के हिसाब से लगाएंगे, प्लस की जगह में प्लस देंगे। ये देखिए ये साइड में प्लस लिखा हुआ है, तो अभी हम प्लस की जगह में हम ये प्लस को देंगे। देख सकते हो बिल्कुल इसी लगा लेना है आपको भी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने कैपेसिटर को लगा दिया और ये देखिए प्लस की साइड में हमको प्लस लगाना है, तो हमने प्लस की साइड में लगा दिया। और अभी देखिए उसका प्लस की साइड ये साइड है और माइनस का ये साइड है। तो देख सकते हो मैंने ये माइनस साइड में हम ये माइनस साइड को लगाएंगे। ये जो माइनस साइड दिख रहा है ये माइनस साइड को हम ये साइड में लगाएंगे, बिल्कुल इसी का तरह है, हमको सेम लगाना है। तो अभी देखिए हम उसको भी लगा देते हैं। तो देख सकते हो मैंने ये छोटा कैपेसिटर को भी लगा दिया। अभी हम ये फ्यूज को भी लगाएंगे, क्योंकि ये फ्यूज जल गया, तो अभी हम ये फ्यूज को लगाएंगे। ये जला हुआ था तो अभी हम उसको लगाएंगे। और उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप कोई भी तरफ उसको लगा सकते हो। ये देखिए ये जो पॉइंट है हम ये पॉइंट में लगाएंगे। और अभी हम ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेंज कर लेंगे। और ये देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर हम इसकी जगह में लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा लिया और अभी हम उसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना सामान जला हुआ था ये चार्जर में। देखिए इधर में ये जो मैंने बताया था आपको डिस्प्ले, या डिस्प्ले में भी लाइन आता है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको कितना सामान जला हुआ था। ये देखिए 1 2 3 4 5 सामान जला हुआ था, तो मैंने पासों को पूरा चेंज कर दिया। तो अभी हम उसको वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए आपको ऐसे एक पीयू थिनर ले लेना है।
अगर आपका पास थिनर नहीं है तो आप पेट्रोल से भी वॉश कर सकते हो। तो अभी हमारा पास थिनर है तो हम अभी इसको थिनर से वॉश करेंगे। तो पहले हम उसको पूरा थिनर ले लेते हैं। ये देख सकते हो मैंने थिनर उठा लिया, ये देखिए। और अभी हम उसको वॉश करेंगे, देख सकते हो। वॉश करने के बाद ये बिल्कुल चमक रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक में रिलेटेड ऐसे ऐसे वीडियो मैं हमेशा अपना चैनल में देता रहूँगा। और फ्रेंड्स, कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए, ये बिल्कुल हैवी चार्जर है और ये चार्जर बहुत फास्ट है, और ये इमरजेंसी अपना मोबाइल जो है ये चार्ज कर सकता है। तो अभी हम उसको कवर में फिटिंग कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को हम ये दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि 220 वोल्ट हमारा इधर से मिल जाएगा। देख सकते हो मैंने उसको फिटिंग कर लिया। और अभी हम ये जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड को भी फिटिंग कर लेते हैं। देख सकते हो ये चार्जर का काम कंप्लीट हो गया है और ये बिल्कुल ओके हो गया। तो अभी हम उसको एक बार लाइन में लगा के आपको दिखाएंगे उसका डिस्प्ले में कितना वोल्ट आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक्स में रिलेटेड ऐसे ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अभी हम उसको एक बार 220 वोल्ट में लगा के दिखा देते हैं आपको उसका डिस्प्ले में कितना वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो उसका डिस्प्ले में बिल्कुल सही वोल्ट आ गया। ये देखिए 5 वोल्ट 3 पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये चार्जर बिल्कुल ओके हो गया। और अभी हम एक बार स्विच को ऑफ करेंगे। देखिए इधर का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में लाइन चला गया, और अभी हम एक बार ऑन करेंगे। ये देख सकते हो डिस्प्ले में लाइन आ गया। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका भाई, आज के लिए बस इतना ही।